Good morning all of you, this is Sivendra. Today I welcome you in our channel Galaxy Candid Educations. Today we all are going to learn about the law of conservation of energy. According to this law, energy can neither be created nor be destroyed. It can be transmitted from one form to another. मतलब हम लोग इस वीडियो में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को पढ़ने जा रहे हैं, वो क्या होती है, उस पर एक थ्योरम उसको सॉल्व करते हैं। तो पहले उसको सॉल्व करेंगे फिर उसको समझेंगे। ये कहना ये चाहती है कि जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो यह कहना चाहती है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से अगर गिरा दे या कैसे भी चले, उसकी एनर्जी कभी नहीं खत्म होती, ना बढ़ती है ना घटती है, पर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसमिट हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये मान लीजिए मेरा ये हाथ है, ये एक ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ से मैं गिराऊं तो जितनी एनर्जी यहाँ रहेगी उतनी ही टोटल एनर्जी यहाँ भी होगी और ये सरफेस पे आने पे भी उतनी ही एनर्जी रहेगी। आप इसी को प्रूव करते हैं और इसी को समझते हैं। तो आइए अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? According to the law of conservation of energy, the energy can neither be created nor be destroyed. It can only be transmitted from one form to another. Law क्या कहना चाहता है कि energy को ना हम बना सकते हैं ना हम उसको मिटा सकते हैं, बस उसको transmit कर सकते हैं एक form से another form तक। तो चलिए इसको prove करते हैं। Let we have an object of mass m. मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है। अब इसको मैं गिराता हूँ एक सर्टेन हाइट से यहाँ बेस तक। तो जब ये कुछ दूर कवर करेगा, यहाँ पे होगा अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पे, तब भी इसका मास क्या होगा? m होगा। फिर ये नीचे आ जाएगा इस पोजीशन पे, तब भी इसका मास क्या होगा? m होगा। तो इसको a पोजीशन मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं, इसको c मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए आप, जो ये डिस्टेंस है, पहले इतने से दूरी के डिस्टेंस को, ये जो ये वाला डिस्टेंस है इसको हम लोग मान लेते हैं y, और इस पूरे डिस्टेंस को मान लेते हैं h, लेट होल डिस्टेंस भी h, और इस डिस्टेंस को मान लेते हैं h माइनस y। जब यहाँ तक y कवर कर लिया है, टोटल h है, तो h माइनस y करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। अब ये ऑब्जेक्ट जो ये m है मास, जब ये यहाँ पे था तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कितनी हुई? जीरो। यहाँ पे रेस्ट में होगा अगर कोई ऑब्जेक्ट फेंकेंगे ऊपर, तो यहाँ जब ऊपर वो आएगा तो कुछ माइक्रो सेकेंड के लिए ये तो रेस्ट में है, तो इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पे जो होगी v जो होगी वो जीरो होगी, और यहाँ पे भी कुछ रहेगी, कुछ तो रहेगी यहाँ पे भी और यहाँ पे भी कुछ रहेगी। अब यहाँ पे आप देखिए कि इस पोजीशन पे इसकी एनर्जी कितनी होती है टोटल एनर्जी, और इस पोजीशन पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी होती है, और इस पोजीशन पे टोटल एनर्जी कितनी होती है, यही बस हमको निकालना है। तो आइए चलिए इसको निकालते हैं। तो पहले यहाँ पे स्टेटमेंट लिख लेते हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास एम is placed at a certain position. अब इसको यहीं से प्रूव करते हैं। एट पोजिशन ए। अब इस पोजिशन पे देखिए, पोजीशन ए पे क्या है? पहले इसका काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ एम बी स्क्वायर, तो हाफ इंटू मास एम है। अब यहां वेलोसिटी कितनी है पोजीशन ए पे? जीरो, तो हाफ इंटू जीरो इज इक्वल्स टू जीरो, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो गई। अब यहीं पे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? एम जी एच, तो मास एम है
इंटू ग्रेविटी। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या लेंगे, जी लेंगे, एक्सेलरेशन जी, तो जी ले लेते हैं इंटू जी। हाइट सर्टेन एच, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, एम जी एच। अब यहाँ पे टोटल एनर्जी क्या होगी, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू जीरो प्लस एम जी एच, तो क्या जाएगा, एम जी एच। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। देखिए ए पोजीशन पे इसकी टोटल एनर्जी कितनी है, एम जी एच, और बी पोजीशन पे हम निकालते हैं, बी पोजीशन पे क्या होगा, तो अब डायरेक्ट लिखते हैं एट पोजीशन बी, एट पोजीशन बी। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट काइनेटिक एनर्जी को के ई लिख देते हैं, हाफ एम बी स्क्वायर होता है। अब यहाँ से बी स्क्वायर नहीं पता, बी स्क्वायर हमें नहीं पता, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू टू ए एस। अब यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर, वी होगा कुछ इसका, यू क्या है, जीरो है, यू जीरो है, इज इक्वल टू टू। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो जी। अब यहाँ एस क्या होगा, एस, तो ये हाइट, ये इतना दूरी एस होगा, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, वाई। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू टू जी वाई, जब वी स्क्वायर हो गया हम लोग का टू जी वाई आ गया। अब इसको इसमें पुट कर देते हैं, सिंस, अब यहाँ पे देख लीजिए के ई इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर, के ई इज इक्वल्स टू हाफ मास, तो एम था, इंटू वी स्क्वायर क्या आया था, वी स्क्वायर देखिए क्या आया था, टू जी वाई। अब यही टू जी वाई प्लेस कर देते हैं वहाँ पे, तो टू जी वाई, देखिए टू से टू कैंसिल, टू से टू कैंसिल हो गया, तो के ई क्या निकल आया, एम जी वाई। अब यहाँ पे देखिए, अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, एम जी एच, एम जी एच फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे हम लोगों का देख लीजिए, मास तो एम ही है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं पी ई इज इक्वल्स टू एम इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मतलब जी इंटू एच। एच का प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ से देखिए पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ग्राउंड से लिया जाता है, ग्राउंड से, तो ग्राउंड से कितना है, एच माइनस वाई, तो हम यहाँ पे लिखेंगे ब्रैकेट में एच माइनस वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी एच माइनस एम जी वाई, ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी निकल गया। अब टोटल एनर्जी निकालते हैं, तो टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू यहाँ लिख देते हैं टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी आई थी, एम जी वाई प्लस एम जी एच माइनस एम जी वाई, यहाँ देखिए प्लस एम जी वाई माइनस एम जी वाई कैंसिल हो गया, क्या बचा, एम जी एच। इसको मान लेते हैं इक्वेशन टू, इसको इक्वेशन टू मान लेते हैं। एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया कि जो ए पोजीशन पे था एनर्जी एम जी एच, वही एनर्जी बी पोजीशन पे भी है, क्या, एम जी एच। अब डायरेक्ट सी पोजीशन पे देखते हैं, अब इसमें क्या निकालते हैं, पहले इसकी काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, के ई। अब यहाँ पहले ऊपर लिख दें एट पोजीशन सी के ई इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। अब यहाँ से वी स्क्वायर तो हमको पता नहीं, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, अब यहाँ से वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो वी स्क्वायर की वैल्यू जैसे यहाँ पे हम लोगों ने निकाली थी, जैसे यहाँ पे निकाली थी, वैसे ही हम यहाँ पे भी निकालते हैं, तो निकाल लेते हैं
तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब यहाँ पे देखिए वी स्क्वायर क्या है, अब इसका वी स्क्वायर क्या है, फाइनल वेलोसिटी कुछ है माइनस इनिशियल जीरो इज इक्वल टू 2। जी कितना है एक्स, मतलब ए कितना है, जी होगा एच हाइट, तो कुछ गेन किया है तो एच, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, ये निकल गया। तो अब यहाँ से काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं, तो ke इज इक्वल्स टू हाफ इंटू एम, एम है ही, वी स्क्वायर का क्या वैल्यू निकल गया था 2gh, 2 से 2 कैंसिल, तो क्या निकल गया mgh, काइनेटिक एनर्जी यहाँ पे ये निकली। अब पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू mgh होता है, यहाँ पे मास तो इसकी कुछ है ही, इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो यहाँ पे जी इंटू एच क्या है। अब यहाँ से देखिए ग्राउंड पोजीशन सी में, ग्राउंड से और इस ऑब्जेक्ट में हाइट जीरो है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या आ गई जीरो। तो पोटेंशियल, अब टोटल एनर्जी निकालते हैं, टोटल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल्स टू, टोटल एनर्जी क्या होगा, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी क्या थी एम जी एच प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो, तो क्या हो गया एम जी एच, इक्वेशन थर्ड। अब यहाँ पे देखिए हम एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एक स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड दिस प्रूव लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखिए पोजीशन ए पे भी एम जी एच एनर्जी थी टोटल, पोजीशन बी पे भी एम जी एच एनर्जी थी टोटल, और पोजीशन सी पे भी एम जी एच एनर्जी थी टोटल। तो जो स्टेटमेंट है कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन फॉर्म टू एनदर, ये प्रूव हो गया। तो यही था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आई होप आपको ये वीडियो क्लियर होगा, ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया होगा तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल गैलेक्सी कैंडिड एजुकेशन को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।